प्रस्ताव बनाए जाने के उपलक्ष्य में बीआरसी कार्यालय इत्मादपुर पर शिक्षकों ने बहुत स्वागत कर विधायक का अभिनंदन किया। नहीं, आज मुझे तो बड़ा गर्व का अनुभव हुआ और मुझे आशा भी नहीं थी कि राष्ट्रपति जी के प्रस्तावक होने के कारण आज मेरे का स्वागत क्या, घर में आया हूँ तो स्वागत क्या, एक बार मिलने का ये बहाना है। सबसे मिला, कुछ शिक्षकों की समस्या है जी, उसकी भी चर्चा हुई है, उन्होंने मुझे बताया है। अब क्योंकि मैं इत्मादपुर का विधायक हूँ तो इसनाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी समस्याओं की चिंता करना, तो उनकी चिंता भी मैं करूँगा। मैं जानता हूँ कि कितनी कठिन, उसके बाद ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षक पढ़ा पाते हैं कि बहुत बहुत दूर दूर से आना पड़ता है, तो खासतौर से बहनों को काफ़ी कष्ट भी होता होगा। अभी मैंने कहा है, अभी जी खड़े हुए हैं मेरे बगल में और जो सब लोग इनके प्रमुख जो नेता हैं उन सब से कि जो भी शिक्षकों की समस्या, हम लोग एक दिन बैठेंगे, अलग से भी बैठेंगे और उनकी समस्या कोई होगी तो उसको सुलझाने का मौका है। हाँ, ये लगता है कि मिड डे मील के कारण से कुछ दिक्कतें आ रही हैं, शिक्षकों पे जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है और उनको भय भी बना रहता है कि कोई कार्रवाई ना हो जाए हमारे खिलाफ। इसके बारे में चिंता करेंगे और कैसे समस्या का वो हो, मतलब शिक्षा ज़्यादा शिक्षा के मंदिर तो उससे शिक्षा पर ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ये मेरा भी मानना है। लेकिन ये निर्णय शासन स्तर का है तो शासन पे भी बात रखेंगे और ये चर्चाएं हो चुकी हैं पहले भी शासन में कि मिड डे मील का जितना सदुपयोग होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, उसमें इस कारण से ये जो समस्या बताई है वो समस्या